वेलकम बैक टू माई चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो आज हम ये चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे या थर्ड पार्टी का साथ देंगे। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। तो निकाल लीजिए अपने पर्सन की पिक्चर को, तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी हमेशा की तरह मैं जैसे बताती हूँ, उनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ईगो हो सकती है, उनका लव पार्टनर भी हो सकता है। तो आपने आई होप प्रेयर कर ली होगी, तो देखते हैं कि उनका डिसीजन क्या होने वाला है आपके पर्सन का। ओके, यस, वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर उनका ईगो है या फैमिली है, फैमिली को छोड़ना भी इतना इजी नहीं होता है। अगर उनका लव पार्टनर है या कोई रोमांटिक पार्टनर है, तो उसके साथ भी कुछ लीगल मैटर हो सकता है, तो जिसके कारण थोड़ा सा आपको टाइम पेशेंस लेने की बात है। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको ही चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल आया है। यस, आपके सामने ही आया है। यस, अगर वो मैरिड हैं तो उनको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि लीगल मैटर भी हो सकता है। तो डेफिनेटली वो चुनेंगे तो आपको ही, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस एनर्जी को आपने क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।